आज देखो हम क्या नई रेसिपी लाने वाले हैं। मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने सोचा चलो न्यू रेसिपी खिलाते हैं आपको, और मैंने ट्राई की, अच्छी बनी। फिर मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को भी खिलाते हैं आज। ये देखो, वैसे मैंने ये रेडी रखा है। एक प्याज काट लिया, ये धनिया काट लिया, ये थोड़ी सी गाजर ग्रेट कर ली, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, ये 3 हरी मिर्ची है, और ये थोड़ा सा पनीर एंड थोड़ी सी और इन गाजर। ये फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा आटा गूंथ लेते हैं। बस 1 ड्रॉप ऑयल डाल, आधे चम्मच से भी कम है, और 1 चुटकी भर नमक बस। और ये रहा हमारा पानी, थोड़ा थोड़ा डालना। माय फूड रसोई से हम नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। आप बताइए कैसी लगती है आपको आज की भी नई रेसिपी। बिल्कुल नाश्ते में खाओ या शाम को खाओ, छोटी छोटी भूख लगी है तब खाओ। बस इकट्ठा कर लो इसको। ये देखिए इकट्ठा हो गया। अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर रखने लगी। ये हमने ढक दिया और रख दिया थोड़ी देर साइड पे। और इसी देर मैंने थोड़े से और मसाले भी ले लिए। देखो, एक तो ये है लाल मिर्च है आधी चम्मच, और आधा चम्मच है काला नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक, और ये अमचूर पाउडर। 10-15 मिनट हो गए, इसको खोलो और इसको एक बार फिर मल लो। बस बिल्कुल रेडी है। देखो मलाई जैसा हो गया, बढ़िया सा ये हो गया ना। अब इसको रखते हैं और मैं एक प्लेट लेती हूँ। ये हमने प्लेट ले ली, ये 2 पेड़े बना लिए हमने। ये देखिए ये और ये, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा है। 2 पेड़े ले लेते हैं, 2 से ही मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप जितने मर्जी बनाना। मैं बड़ा वाला रोलिंग बोर्ड ले रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा डाल लो इस तरह, और एक पेड़ा उठाओ और इसके 2 हिस्से करो। अब इसको बेल लेते हैं पहले। अब मैंने एक कटोरी ली ये वाली, ये देखो ये कटोरी ले लो स्टील की, और ये देखो इस तरह ऊपर रखने पर इतना होना चाहिए ताकि ये इधर से हम साइड पे ऐसे कर सकें इसको। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लो, हल्का सा और कर लो ताकि उसके ऊपर इसका सपोर्ट मिल जाए। अब दूसरा भी बेलो, ये वाला प्लेट में रखो। घर में कोई सब्जी नहीं है, नाश्ता बनाना है सुबह, मॉर्निंग में टू अर्ली है, बस ये इतनी जल्दी बनता है। देखो उसी साइज का मैंने एक और बना लिया, और इसको भी मैंने प्लेट में रख दिया। ये देखो ये हो गए ना हमारे 4 पेड़े रेडी हो गए ना। ये देखो ऑलमोस्ट पूड़ी के साइज के हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 अंडे ले लिए, और ये नॉन स्टिक पैन ले लिया। गैस ऑन करो नीचे से। ये गया हमारा 1 चम्मच घी, और इसको मेल्ट होने दो। अब देखो ये कटोरी है, ये कटोरी, ये हमारा 1 है पेड़ा जो हमने पूड़ी बनाई है, इसके ऊपर रखो। ये देखो इस तरह, बस इस तरह रखो इसको, और इसको टाइट कर दो। इसके ऊपर हम एक अंडा तोड़ते हैं। ये देखो ये हमने तोड़ा अंडा, इसके ऊपर इसी तरह तोड़ना है। ये इसको और डीप कर लो। ये देखो कटोरी के अंदर आ गया ना ये। अब इसमें डालो अपने थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी गाजर, ये ऑरेंज वाली है, ये रेड वाली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये, और ये थोड़ा सा प्याज। ये देखो ये गया, और ये गया हमारा धनिया। ये हो गया ना, मसाले डालो इसके ऊपर। देखो अपने अनुसार, अपना जितना टेस्ट है आपका उतना डालो। ये लाल मिर्ची, ये थोड़ा अमचूर पाउडर अच्छा फ्लेवर देता है, ये है काला नमक, और ये है नॉर्मल नमक, और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं आप। ये जीरा पाउडर, ये रेडी हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम दूसरा रख देते हैं, जो रोटी बनाई है ना, नहीं इसके ऊपर रखो ऐसे, और इसको थोड़ा सा पेस्ट कर लो पानी से। ये देखो इसके आसपास पानी लगाओ ताकि इसको बिल्कुल टाइट बंद हो जाए। ये देखो ये, और इसको टाइटली बंद कर दो। ये हो गया ना बंद। अब जो हमारा वो घी रेडी है ना, ये देख लो अच्छी तरह बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। ये रेडी हो गया ना हमारा। अब देखो हमारा ऑयल इज रेडी, और देखो धुआं छोड़ रहा है। गैस लो करो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो गैस पे बनाने हैं इसको। अब हम ये कटोरी है ना, इसकी कटिंग करने लगे हैं साइडों से, जितना एक्स्ट्रा उतार दो। ये देखो गैस बंद कर दो अभी डालने से पहले। अब गैस बंद करने लगे हैं क्योंकि इसको हमने ठंडे में ही डालना है। और इसको गैस को ऑन कर लो।
और इसको थोड़ी देर पकने दो, गैस को स्लो पे रखना बिल्कुल आराम से। इसका साइड चेंज करना है हमने, वेरी वाह, गैस स्लो रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं, चेक करो, वाह तैयार हो गया ना। अब इसको उतार लो और ये जो अंडा थोड़ा सा लीक हो गया ना, इसको अलग से खा लो चटनी लगा के, और इसको अलग प्लेट में रख दो खाने के लिए। दिस इज रेडी, इसको उतार लिया हमने, ये देखो ये प्लेट में उतार लिया। हाँ, गैस फिर से बंद करो, हल्का सा देख लो ऑयल की जरूरत है, हल्की सी लगा लो बस। अब ये हमारी सेकंड कटोरी है, फिर से देखो ये साइडों से उतारने वाले हैं, एक्स्ट्रा आटा उतार लो, ये देखो ये एक्स्ट्रा आटा हमने उतार लिया। अभी गैस बंद है हम, ये ठंडे में ही, अभी इसको कुक होने दो। अब साइड चेंज कर लो, ये अभी कुक होने दो साइडों से अच्छी तरह, गैस इज वेरी वेरी स्लो। फिर साइड चेंज कर लो, अब देखो इसको एक साइड से पकड़ो टिश्यू पेपर से, और इसके कॉर्नर्स भी कुक कर लो टिश्यू पेपर से पकड़ के, कॉर्नर्स कुक कर लो सारे, कोई कच्चा नहीं रहना। ये देखो कुक हो गया ना, ये देखो कुक हो गया ना। अब ये जो पहले वाला है इसको भी साइडों से कुक कर लो, थोड़ा सा हो गया ना कुक, अब ये देखो तैयार हो गया ना। चलो अब प्लेट में सजा लेते हैं इसको, और चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गैस करो बंद और चटनी रखो रेडी, ये देखिए ये और ये, और ये देखो वाओ, जस्ट सी दिस, ये देखो बढ़िया सा फिलिंग, ये देखो वाओ, ये देखिए दिस इज रेडी। और ये रहे हमारे एग स्नैक्स रेडी, कॉकलेट्स रेडी, और आप भी बनाइएगा जरूर 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 जरूर। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हेयर इज आवर एग पॉकेट रेडी, और आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी 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 यम्मी बनेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको एग पॉकेट्स नाम दो, एग स्नैक्स नाम दो, सुबह का नाश्ता खाओ या शाम को चाय के साथ खाओ, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, सो बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई फूड रसोई।